एक ही ट्री का है ओके आप जब देखेंगे ना मार्स में अगर साथ रहे तो वाइल्ड लाइफ कोई गारंटी नहीं है बहुत सारा चिड़िया देखने के चांसेस है चाइनीज लोग आए साथ में तो देखते हैं चाइनीज लोग से मिलते भी हेलो तो भी देखिए देखिए मैजिक मशरूम होता है इसमें अच्छा ड्रग्स ऐसा है हेलो गाइस गुड मॉर्निंग आज अभी हम जा रहे हैं कैनोइंग करने के लिए उसके बाद बाकी की जानकारी ये साहब देखे संदीप भाई है जो हमारे गाइड है बोलिए सर पहले हम कैनोइंग जाएंगे इट्स अबाउट हाफ एन आवर उसके बाद जाएंगे एलिफेंट ब्रीडिंग फार्म वो हाथी और उसके बच्चे देखने के लिए उसके बाद हम लोग जाएंगे जंगल वॉक के लिए ओके दैट्स ऑल तो दैट्स ऑल ओके थैंक यू संदीप भाई ये हमारे गाइड है प्लीज टुक टुक वाला अंकल है हमारा आपका नाम क्या जी संजा भाई ओके थैंक यू प्लीज कैरी चलो टुक टुक में जाते हैं यहाँ का टुक टुक और नेपाल का टुक टुक में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे ना साइड में गेट आता है ओके भाई अंकल मिलते हैं आते मिलेंगे हाँ आते हैं सफ़र शुरू हो रहा है देखिए बताओ अंकल आपने इधर से गेंडा देखा सुबह में आया था लेकिन वो घास के बीच में था सही से नहीं दिखा तो मेरे होटल से बाहर जाने का रास्ता ऐसा है भाई होटल बोलो कॉटेज बोलो जो बोलो वो कॉटेज बोल सकते हैं इसको कॉटेज ही बोलो है ना रिवर साइड कॉटेज बोल सकते हैं बोलते हैं मतलब और उधर मुर्गी है जैसे अपने इंडिया में होती है कल मुर्गी खाई थी तो लूज मोशन हो गया था भाई तो एग्जिट बाहर आ गए अपने मेन रोड की साइड पे ये रास्ता रिवर साइड में जाता है ना और यहीं से मैं आया था कल तो ऐसा नज़ारा है भाई ये जंगल सफारी की गाड़ी है ये जंगल सफारी की गाड़ी है जो कि हम नहीं जाने वाले हैं हम एलिफेंट सफारी करेंगे जा रहा हूँ थोड़ी देर अच्छा एक दो मिनट ओके कोई बात नहीं मैं इधर खड़ा रहता हूँ आप आइए देखो मैंने पूरा पैकेज लिया है तो मुझे कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है तो ये बागमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह है जहाँ से आप कैनोइंग के लिए टिकट खरीद सकते हो और परमिट भी साइड मिल ही जाएगा इधर से और ये नज़ारा ऐसा है और जैसे कि पैकेज लिया तो उसमें टुक टुक भी इंक्लूड रहता है आपको जिधर जाना है मतलब जो भी सफारी करने जाओगे तो उसमें आपको टुक टुक के खुद बुलाएंगे गाइड भी लाएंगे तो ऐसा है तो जैसे जैसे टाइम जाएगा सारी चीज़ें बताता रहूँगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया भाई मज़ा आएगा पैसे वर्थ है वैसे एलिफेंट राइडिंग के लिए जब अपने आएंगे शाम को दो जगह है अच्छा ये है हाँ दूसरा थोड़ा आगे है अच्छा तो भाई ये कैनोइंग करने के लिए आगे इधर से और वहाँ पे एलिफेंट सफारी हो रही है हम करेंगे बाद में काइंड ऑफ चेक पॉइंट है वहाँ पर टिकट विकेट सब थोड़ी देर हाँ कोई बात नहीं वेट करना है तो कोई बात नहीं है गाइड साहब है वो पीछे बैठे हैं मैं थोड़ा वीडियो बनाने के लिए आगे आया हूँ उन्होंने बोला नदी में मत जाना आप खाली नाव को देखो ये नाव जा रहा है फुल है लोकल पब्लिक नहीं है ना ही कोई इंडियन है फॉरेनर ही ज़्यादा है इसमें तो एलिफेंट सफारी ऐसे हो रही है बीच नदी से जाएंगे राप्ती रिवर है ये जो बोट दिख रही है ना आपको ये पूरी बोट ना एक ही लकड़ी से बनी है जो बड़ा पेड़ होता है उसी में से ये बोट बनती है उसमें दूसरी कोई लकड़ी जोड़ी नहीं जाती तो ऐसा है और ये पुरानी वाली बोट है और ये नई वाली बोट है मतलब नई मतलब ये थोड़ी ये बहुत पुराने की है अभी थोड़ी नई है मतलब उसके ऊपर ना ये लोग फाइबर कोटिंग करते हैं फाइबर जैसा कोटिंग करते हैं वो जो धागे धागे वाला फाइबर के ऊपर वो कुछ कोटिंग करते हैं तो ऐसा है अभी और ये सीटें होती है उस पर बैठ के जाना रहता है देखिए नाव है ना हाँ एक ही ट्री का है ओके वन ट्री ट्रंक का है ओके ये आपका बूढ़ी राप्ती रिवर है बूढ़ी राप्ती रिवर ये आपका है ना वो गंगा उसमें जाता है ये कैनो राइड आपको बोलते हैं क्रोकोडाइल के लिए बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है बर्ड और क्रोकोडाइल के लिए और क्रोकोडाइल कौन से दिखते हैं यहाँ पे दो तरह का है घड़ियाल है एक मगरमच्छ है मार्स मगर इसमें मैक्सिमम मार्स मगर देखता है लेकिन अभी उसका ब्रीडिंग पीरियड है ना हाँ उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए देखने के लिए बहुत दिक्कत है ओके सर हम लोग जब देखेंगे ना मार्स मगर शांत रहने का ओके क्योंकि अभी वो एग्रेसिव है ना ओके बोलना पड़ेगा बच्चे के लिए अच्छा है अच्छा
और कुछ बताया इसके बारे में। कभी कभार देखता है वो हिरन, देखता है गेंडे, देखता है जब पानी पीने आता है ना। अच्छा, आपका वाइल्ड लाइफ भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, वो आपके लक पे ऊपर डिपेंड करता है। नाव में हम लोग का बैलेंस मेंटेन करने का, अच्छा शांत रहने का, बहुत सारा चिड़िया देखने के चांसेस है। देखेंगे क्या देखेंगे। लगभग शायद 30 से 32 लोग का ग्रुप है, अभी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो भैया बता रहे कि चाइनीज लोग आए साथ में, तो देखते हैं चाइनीज लोग से मिलते भी है क्या क्या होता है ना भाई। चाइनीज भी बहुत शोर करता है भाई, ऐसा बोल रहे हैं। अभी कौन सा सीजन है भाई? अभी चाइनीज का सीजन है। अगर आपको चाइनीज देखना है वाइल्ड लाइफ के साथ, तो इधर आ जाइए। गलत तरीके मत लीजिएगा, बस मस्ती मजाक हो रहा था तो बोल दिया। अगर आपको चाइनीज लोग के साथ टूर करना है बिना चाइना जाए, तो इधर आ जाए चितवन में इस मौसम में, अगस्त के महीने में। देखते हैं, मेरा गाइड अलग है, इन लोग का गाइड अलग है, तो एक गाइड चाइनीज भी बोलता है। तो धीरे धीरे बोट जा रही है अभी। नाइस। ये गेंडा बहुत खाता है। ये कौन सा प्लांट है? एक्यूटिक प्लांट। अच्छा, गेंडा बहुत खाता है। विंटर में इधर गेंडा आता है ये खाने के लिए। अच्छा, और दूसरा क्या बता रहे? अभी तक बारिश में पानी भर जाता है, लेकिन इस बार बारिश कम गिरा ना, इसलिए पानी बहुत छोटा है। अच्छा, पानी बहुत छोटा है, वरना बाढ़ आ जाता है। हेलो, अभी तो उतना नहीं दिखता है मगरमच्छ। अभी नहीं दिखता उतना, अभी धूप है ना, बहुत गर्मी है। अच्छा, के अंदर जाता है छुपने के लिए। ओ, ऐसा है। सिर्फ उसका वो सिर दिखता है खाली, और बॉटल है उधर, उससे थोड़ा आगे पानी में आपके एक वो ना ग्रेचिंग है ना। अच्छा, उधर 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 मगरमच्छ का वो सिर है। सिर है, सिर है, लेकिन दिखता नहीं है ऊपर ज्यादा, थोड़ा गर्मी है ना इसीलिए। आपको विंटर में बहुत दिखता है, विंटर में ज्यादा दिखता है, ऊपर आता है धूप सेकने के लिए। हाँ, अच्छा है। आपका ये देखने में छोटा नदी है। हाँ हाँ, लेकिन बहुत फेमस है। अच्छा, दिखने में खाली छोटा लगता है, लेकिन वो बहुत गहरा है नदी है। कोई कोई जगह में गहरा है। अच्छा, कोई कोई जगह में गहरा है, कोई कोई जगह पे समांतर है, लेकिन इसमें बहुत सारा मगरमच्छ है ना। बहुत सारा मगरमच्छ है। आपका नाव क्रोकोडाइल के लिए और बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। क्रोकोडाइल के लिए और बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। बहुत सारा मगरमच्छ है इस नदी में। अच्छा, आपको विंटर में बहुत सारा दिखता है चिड़िया, वो सब वो साइबेरिया से आता है, साइबेरिया से, यूरोप से, इंडिया से भी आता है। बर्ड्स आते हैं ज्यादा, बहुत सारा विंटर में आता है, नाव में भी आता है मगरमच्छ। देखिए देखिए देखिए, चितवन का सबसे बड़ा पंछी है, उसका नाम है लेसर अजिस्टन स्टॉक। हम लोग उसको भी बोलता है भूरी फोर, भी बोलता है। बड़ा था वो मगरमच्छ। हाँ, बहुत बड़ा था, उसका टेल दिखा मेरे को। उसको काटने के लिए गया था वो बोटमैन को। अच्छा, वो डंडा लगाया इसलिए। पानी के नीचे था ना। हाँ, पानी के नीचे मगरमच्छ था, तो बोटमैन का डंडा लगा तो मगरमच्छ ऊपर आ गया। मेरे को उसका खाली टेल ही दिखा भाई, लेकिन वो शोर बहुत ज्यादा था भाई ना भाई। बहुत बड़ा था, नाव से भी बड़ा था। नाव से भी बड़ा था। कितने तरह के पक्षी मिलते हैं इधर? इधर 650 तरह के इधर पक्षी देखने को मिलते हैं। 950 स्पीशीज नेपाल में, 950 तरह के पंछी देखने को मिलते हैं भाई। माहौल बहुत शांत है, बहुत अभी बोट बहुत फास्ट जा रही है, पानी का बहाव है अभी थोड़ा बहुत। नाव थोड़ी और ज़्यादा फास्ट होने लगी, क्योंकि तरान है और बहाव ज़्यादा है। अभी तो उतना पंछी नहीं है, पंछी नहीं है, खाली भौंरे दिख रहे हैं भाई। ओ, सामने मगरमच्छ है, सामने सामने अग्रेसिव होता है। इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने कॉर्नर पे है अग्रेसिव मगरमच्छ है, और वहाँ पे मोर है, पिकॉक है, वहाँ पे दिख रहा हो तो बहुत सुंदर मोर है भाई। चलो, मगरमच्छ तो ज़्यादा दिखे नहीं, लेकिन मोर दिखे।
नहीं उधर बहुत गहरा था। ये अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है बोट को रिटर्न, क्योंकि पानी का बहाव ऐसे जा रहा है और बोट जा रही है उस साइड पे, तो डिफ़िकल्ट है। और दाई बता रहे थे कि भाई कभी कभी इनको उतरना भी पड़ता है नीचे, तो रिस्की है। इससे आगे क्या हुआ कि उधर भी जगह है, हाँ हाँ, ऐसे आपका कैनन के लिए, कैनन के लिए आपका उधर एक लड़का था, पानी में उतरना पड़ा उसको, टूरिस्ट को ड्रॉप करके आ रहा था तब, उसको मगरमच्छ ने पकड़ा, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसको पाँव में, पाँव से उसके घुटने, हाँ घुटने के नीचे का भाग चला गया उसका। तो ऐसा भी होता है, जो दूसरी जगह थी, वो दूसरी जगह थी वहाँ पे कोविड से पहले, कोविड से पहले एक बोटमैन था, तो टूरिस्ट को छोड़ के रिटर्न हो रहा था, तो पानी में उतरना पड़ा उसको। ऐसे ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता तब, बोट चलती नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट से उतरा तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और घुटने के नीचे का भाग पूरा खा गया, मतलब काट लिया। तो अभी बिना घुटने के रह रहा है, क्या क्या होता है भाई, ऐसा भी होता है भाई। तो चाइनीज लोगों ने छाता लगा दिया, गर्मी लग रही है उनको। तो सामने मगरमच्छ है मेरे, एग्जैक्ट सामने ग्लास के पास, खाली सीट दिख रहा है। तो उधर से वो अभी भैया ऊपर बोट में चढ़े, क्योंकि पानी का करंट बहुत ज़्यादा, तो नीचे उतरना पड़ा। हाँ वो भाई भी पानी में उतरे नीचे, सामने की साइड पे देखो, तो उधर पानी का बहाव ज़्यादा है और थोड़ा ऊपर की साइड पे आता तो उतरना पड़ता है। ये नीचे की साइड पे जा रहा है थोड़ा पानी, इतना बड़ा नाव है ना, ये नाव बहुत बड़ा है, जस्ट लुक एट दिस, देखो रिस्की है। वो टावर नाइट के लिए जो घर में बोल रहा था कल, वो टावर नाइट के लिए आपके साइड एक गाइड आता है वहाँ पे। भाई इसका खर्चा कितना होता है अंदाज से? अंदाज से बोले तो एक जन का नेपाली 7 से 8 हज़ार। अच्छा, तो नेपाली 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा होता है गाइड के साथ अंदाज से, शायद उससे कम भी होता है लेकिन इतना होता है। कल मैंने थोड़ा कम बताया था लेकिन इतना होता है। तो टावर नाइट के लिए आप जो पैकेज लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको खाना चाहिए नहीं चाहिए। बाकी जो नॉर्मल बेसिक पैकेज होता है उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आप जहाँ रह रहे हो वहीं से यहाँ इधर तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, गाइड का खर्चा और रहने का खर्चा, तो कम से कम 5,000 नेपाली रुपये होता है, दैट्स इट। जो बड़ा बड़ा होल दिख रहा है सामने उस साइड में किनारे पे, तो वहाँ पे मगरमच्छ का घर है, वो अंदर चले जाते हैं कभी कभी, ऐसा दाई बता रहा है। जब बहुत धूप होता है ना, हाँ बहुत ठंड होता है ना, अंदर जाता है, ज़्यादा ठंड और धूप होता तब। अरे अपना एग्जिट पॉइंट आ गया, मतलब तो उतरने का टाइम आ गया। थैंक यू दाई। गेंडे का गोबर है, उस पर घास खिलने लगा अभी। मशरूम है, मशरूम है, मैजिक मशरूम होता है इसमें? ये तो नहीं है, दूसरा होता है, दूसरा होता है उसका, वो होता है क्या बोलते हैं ना, गोल्डन टॉप होता है इसमें, गोल्डन टॉप होता है उसमें, बहुत बढ़िया है वो, खाने के लिए अच्छा है वो, एक किसी का ड्रग्स है ना। अच्छा ड्रग्स जैसा है मैजिक मशरूम? मैजिक मशरूम ड्रग्स होता है, आप खाने के बाद आपको वो होता है क्या बोलता है ना, अच्छा हेलुनिजन होता है वो भी प्रोनाउंस नहीं कर पाया, हेलुनिजन क्या बोलते हैं, हेलुसिनेट वो होता है। डॉक्टर भी इसके दवा की तरह यूज करता है, डॉक्टर भी दवा के लिए यूज करता है, वो होता है ना वो क्या बोलते हैं, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम के टाइम में आप है ना क्या बोलता है, गांजा वैसा ही है। अच्छा जो गांजा होता है वैसा ही होता है, गोल्डन टॉप वाला मशरूम, उससे वाइल्ड मशरूम होता है ना, उससे स्ट्रांग होता है, उससे भी स्ट्रांग होता है। तो कैनोइंग का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी हम वॉक करके यहाँ से एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर जा रहे हैं ना भाई, एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर जा रहे हैं वॉक करके।